जब एग्जाम के कुछ दिन बचे होते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स एकदम से बौखला जाते हैं और एकदम से डर लगने लगता है कि सर क्या मैं इस अटेम्प्ट में पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। यार सर मैंने सोचा था कि मेरी पढ़ाई इतने लेवल तक हो जानी चाहिए बट नहीं हुई है। मैं एक चीज बताऊं, आपको अगर इस अटेम्प्ट में पास होना है ना तो अपने आप के अंदर एक चीज चाहिए और वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर रख लिया ना तो आधी जंग तो वहीं जीत ली। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चार ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। राइट, फॉलो करने वाले होगा तो वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहली प्रो टिप और वो ये है कि आपको एक पॉजिटिव एनवायरमेंट बना देना अपने आसपास। क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरमेंट अराउंड यू। वो कैसे होगा? आप जहां पे भी अपना नाम देखो उस नाम के आगे सीए लिख दो। राइट, इवन इफ आप एक ग्रुप दे रहे हो तो भी आप अपने नाम के आगे सीए लिख दो, या जो भी आप डिग्री या कोर्स कर रहे हो अपने कमेंट सेक्शन में भी जाके अपने नाम के आगे सीए लिखो। एक पॉजिटिविटी मिलेगी यार, बुक में अपने नाम लिख दो, क्योंकि अगर तुम्हारा गोल तुम्हारा विजन अपने आंखों के सामने होगा ना तो किसी माइके लाल में दम नहीं कि तेरे को रोक सके। पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कर देना है और वो ये है कि आपका जब अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में तो भाई स्टडी प्लान आज से तैयार होना चाहिए। तुम ये मत सोचो कि मैं बाद में जाके बनाऊंगा तब जाके देख लूंगा। नहीं, तुम्हारा प्लानिंग अभी स्ट्रांग रहेगा तो एग्जीक्यूशन सही रहेगा। और एक और चीज मैं बता दूं, ध्यान से सुनना, और वो ये है कि अगर प्लान पे तुम स्टिक रहे ना तो भाई आधी जंग वहीं जीत गए। कोशिश ये करें कि प्लान पे स्टिक रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी स्ट्रेस आता है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी और नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा मेरा एक मेडिटेशन का वीडियो। हमेशा मेरे को कभी कभी स्ट्रेस आता था तो मैं पता है आंखें बंद करता था और दो तीन चीज़ों के बारे में सोचता था कि कैसा फील होगा जब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, मेरे पेरेंट्स को कैसा फील होगा। राइट, मैं उनको कैसे हग करूंगा। राइट, वो मुझे एकदम खुशी से देखेंगे, उनके आंखों में खुशी के आंसू रहेंगे, ये सब मैं इमेजिन करता था। और भाई क्या खुशी मिलती थी, और वो मेरे लिए एक एनर्जी और एक जुनून की तरह काम करता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कर देना है और वो ये है कि अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ टाइम। एक चीज ध्यान रखो, आज का टाइम सस्ता है, कल का टाइम महंगा है। अगर देखो नाइट आउट मारना है तो आज मार। एग्जाम के दिन इफ यू आर थिंकिंग कि मैं नाइट आउट मारूंगा और एग्जाम के दिन पढ़ाई कर लूंगा तो दिस इज नॉट गोना बी हैपनिंग। यू नो द रीजन व्हाई? क्योंकि एग्जाम के टाइम अगर ब्रेन जितना रिलैक्स रहेगा उतना एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी निकलेगा और उतनी प्रोबेबिलिटी है कि तू पास हो जाएगा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट यू आर सपोज टू गिव योर 100%। क्योंकि इफ यू आर नॉट डूइंग इट ना, समवन एल्स इज डूइंग इट। अंडरस्टैंड एंड पुट इट इन योर हेड वेरी क्लियरली। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है, तो बेटर यू डू इट एंड प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर द बेस्ट। और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपने नाम के आगे कि आई एम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना नाम उसके आगे। राइट, तो ये चीज ध्यान में रखिए। और उसके साथ साथ एग्जाम के बाद बड़ा भाई आपके लिए बैठा हुआ है। राइट, वी आर गोना बी ब्रिंगिंग आउट लॉट ऑफ training placements and interview preparation courses and things for you guys so that we can ensure that you get into the best companies of world. But abhi saam daam dand ped laga do ji jaan aur pad lo is bar dhang se, kyunki ye attempt aapka aakhri attempt hona chahiye.